and welcome to Bollygrad Studios. This is Prachi, your host for today with another interesting video. So let's get started. Bhumi Padnekar Bollywood ki ek aisi actress hai jinhone apne career ki shuruaat Ayushman Khurana ke saath dam laga ke Haisha jaisi movie se ki thi. Bhumi Padnekar aaj ke samay mein kafi demanding actress hai. Aur aapko bata de, unke jholi mein aajkal kai sari filmein bhi hain. Par aapko pata hai भूमि पटनेकर को हाल ही में अली अब्बास जफर जैसे डायरेक्टर ने शाहिद कपूर के अपोजिट एक मूवी ऑफर करी थी, पर भूमि ने बड़े ही प्यार से उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया. एक्शन और ड्रामा से भरपूर ये फिल्म सिर्फ एक रात के बारे में है. और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है, टॉमी सीस्ले की फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट की ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. फिल्म में भूमि को शाहिद के अपोजिट उनकी पत्नी का रोल ऑफर किया गया था, जो भूमि को काफी पसंद भी आया था और उन्होंने फिल्म के लिए ऑलमोस्ट साइन भी कर दिया था. पर आखिरकार ऐसा लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि भूमि ने इस फिल्म को ठुकरा दिया. तो मैं आपको बता दें, दरअसल भूमि पेडनेकर आजकल बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की आने वाली फिल्म भीड़ के लिए तैयारी कर रही हैं. सोशल पॉलिटिकल ड्रामा बेस पर इस फिल्म में भूमि एक ऐसा किरदार निभाने जा रही है जिसमें कुछ निगेटिव शेड्स भी हैं. आपको बता दें, ये ऐसा किरदार है जो भूमि ने आज तक पहले नहीं निभाया है. हालांकि इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए उन्हें कुछ अलग से समय नहीं देना है, लेकिन भूमि की बॉलीवुड की इमेज से ये किरदार काफी हटकर है, इसलिए अनुभव नहीं चाहते कि इस बीच भूमि कोई भी अलग से कोई फिल्म करे जिससे उनका ये वाला किरदार इफेक्ट हो. और वो नहीं चाहते कि भूमि अपने इस फिल्म के साथ कोई भी समझौता करे. अगर कम शब्दों में बोले तो अनुभव ने भूमि को इस फिल्म के लिए बुक कर लिया है जिस दौरान भूमि हमें किसी और प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएंगी, जिसके बाद अचानक से वो भीड़ में दिखेंगी तो फैंस के लिए खुशी की लहर आएगी और साथ ही साथ जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनके हटकर रोल को देखकर तालियां बजाएंगे. साथ ही न्यूट्रल जनता भी उन्हें अलग रूप में देखकर तालियां बजाएंगी. हालांकि इस बीच भूमि ने अपनी एक और फिल्म द लेडी किलर की भी शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म में वो अर्जुन कपूर के अपोजिट एक कॉमेडी रोल में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग दिसंबर तक होनी है, जबकि भीड़ की शूटिंग के लिए भूमि नवंबर में ही लखनऊ चली जाएंगी. अब आप सोच रहे होंगे, शाहिद की फिल्म क्यों नहीं और अर्जुन की फिल्म के लिए भूमि ने हाँ क्यों कर दिया? तो दरअसल लेडी किलर के लिए भूमि ने पहले ही इस फिल्म को साइन कर लिया था और इसकी शूटिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी. दिसंबर तक इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है, जबकि शाहिद की फिल्म की शूटिंग लंबी चल रही थी जिसकी वजह से भूमि ने शाहिद की फिल्म को मना कर दिया. जबकि फिलहाल लखनऊ जाकर भीड़ के लिए पैच वर्क और लोकेशन का काम किया जाएगा. इसके अलावा फिल्म के पोस्टर शूट और प्रमोशनल वीडियो भी इसी समय शूट किए जाएंगे. एक्चुअल फिल्म की शूटिंग जनवरी से की जाएगी, यानी तब जब भूमि अपनी फिल्म लेडी किलर से फ्री हो जाएंगी और इस फिल्म को अपना पूरा टाइम दे पाएंगी. भाई, भूमि पेडनेकर की इस डेडिकेशन और मेहनत को देखकर हमारा मन तो खुश हो गया. अगर आप भी खुश हैं तो देरी किस बात की, हमें कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाकी फिल्मों के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.